एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदिशाक्षी भूताम भावतीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुतम नमामि। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। ॐ शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। 27 दिसंबर सन 2011 और मंगलवार का दिन, और जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह 27 दिसंबर को है, उन सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। यदि जीवन में कभी भी आपको तकलीफ आती हो, कैरियर में तकलीफ हो, परिवार में तकलीफ हो, कारोबार में तकलीफ हो, स्वास्थ्य में तकलीफ हो, सुंदर उपाय बताओ जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में घी का दीपक जलाकर हर रोज ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। मंगलवार दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़ और गुड़ से बनी रेवड़ियां बांटना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। यदि कैरियर में उठापटक है तो हर रोज श्रद्धानुसार ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में 108 गुलाब के फूल अर्पित करें लगातार 40 दिन संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमोनारायण। बात करते हैं मंगलवार के पंचांग की। पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया और विक्रम संवत 2068 प्रातकालीन नक्षत्र सर्व नक्षत्र चंद्रमा मकर राशि में, और मंगलवार का राहुकाल दोपहर 3 बजे लेकर 4:30 बजे, और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। नमोनारायण। बात करते हैं मंगलवार की यात्रा की। मंगलवार की यात्रा जहाँ आप हैं वहां से व्यापारी की यात्रा दक्षिण दिशा की और शुभ और मंगलमय रहेगी। राजदिन यात्रा से जाने से पूर्व गुड़ खाते हुए यात्रा पे निकल जाएंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमनन। और अब मैं आपको ले चलता हूँ नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, और बात करते हैं मंगलवार के राशिफल की। नमनन। और सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, व्यावसायिक स्थिति उत्तम रही और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। भूमि और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग और धन लाभ होगा। आज राजनीतिक और सरकारी क्षेत्र में विशेष अवसर प्राप्त होगा। क्या करें, आय की साधनों में विस्तार लाएं, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी को सहयोग देने से आज मना ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, धीरे 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 समय और परिस्थिति सामान्य होने लगेगी। कारोबार में लाभ मिलने लगा और कारोबार संबंधी अड़चनें समाप्त होगी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो आपके लिए, और वो है कोई भी कार्य करें थोड़ा सा सोच विचार कर करें, बुजुर्गों की सलाह लेकर करें, साथ ही अकाउंट के मामले में थोड़ी सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। क्या करें, अपनी गलतियों में सुधार लाएं। क्या ना करें, अपनी जरूरतों को नहीं बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है, वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा और आज उधार लेन देन से बचना होगा। लाभ मार्ग में रुकावट, वाद विवाद और उलझनों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसायिक योजना को गुप्त रखना आवश्यक है, अन्यथा विरोधी लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, धनहानि हो सकती है। और सुबह से लेकर शाम तक का गोचर थोड़ा सा मध्यम। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्राह्म शा बुधाय नमः, बुध के बीज मंत्र का जाप करें और दिन भर अपने पास एक हरा रुमाल जरूर रखें, आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। विशेष क्या करें, शांतिपूर्ण होकर कार्य करेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। क्या ना करें, अपने दिमाग को आज थोड़ा सा कम दौड़ाए तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ, मनोकामना पूरी होगी, अपने प्रियजनों का सहयोग मिलेगा, कार्य व्यवसाय में वृद्धि और धन लाभ होगा और पत्नी और बच्चों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। ससुराल पक्ष से भी आज लाभ की आशा आप कर सकते हैं। नमन। क्या करें, व्यवसाय विस्तार के बारे में सोचिए। क्या ना करें, तो रोजमर्रा की गतिविधियों को ना बिगाड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, राज धन लाभ होगा, राज ननियाल पक्ष से कुछ न कुछ आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, नक्षत्र ये कह रहे हैं कि आप प्रयास करिए, हर क्षेत्र में विजय और मान आपका बढ़ेगा। विशेष क्या करें, सोच को थोड़ा सा परिपक्व बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, किसी राजनीतिक
व्यक्ति के साथ मध्यस्थता में काम न करे तो बहुत सुंदर रहेगा आज के दिन नमन। और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि और समय और प्रश्न में सुधार, मन बहुत प्रसन्न और काम करने का जो एक जज्बा है यदि वो बना रहा तो सफलता ही सफलता है। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति होगी, परिजनों के साथ बैठने का अवसर मिलेगा और जीवन साथी का पूर्ण सुख मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, मन को प्रफुल्लित रखना है, आलस्य मन पे नहीं है, निष्क्रियता के भ्रम मन पे नहीं है, इस बात को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अंतिम एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप जुआ सट्टा और शेयर मार्केट में पैसे लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है। क्या करें, समूह में काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, पूंजी निवेश में जल्दबाजी नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। लेकिन तुला राशि की बात करें उससे पहले हर रोज तेरे आज का सवाल, और ये सवाल किया रीना राय जी नागपुर। शरीर में कमजोरी है, चिड़चिड़ापन है और वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं। आपका धनु लगन है रीना जी और तुला राशि। इस समय आपको गुरु की महादशा चल रही है जो 25 दिसंबर 2019 तक रहेगी। इस समय गुरु में शुक्र की अंतर्दशा है 7 जुलाई 2014 तक, और इसके बाद सूर्य की अंतर्दशा आपको शुरू होगी 25 अप्रैल 2015 तक। यदि मैं ग्रह नक्षत्र की बात करूं तो समय बहुत अनुकूल है। आने वाला समय आपको संपूर्ण परेशानी का निवारण कराएगा। तब भी आप यदि कुछ उपाय करना चाहते हैं आपकी समस्याओं के लिए, 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाने और 6 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में शनिवार, सोमवार और मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार प्रातकाल ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार परमात्मा अपने इष्ट देव का ध्यान करते उनके मंत्रों का जाप करें। और जिस तरह के घर योगायोग है, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप सुबह शाम करना भी आपके लिए। शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्रों का दान कंजकों को करने से पारिवारिक जीवन खुशमय रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, दिन सतर्कता का आज जरूर है। सितारे ये अंक संकेत दे रहे कि आज सतर्कता बरतनी पड़ेगी अपने कार्यों में। वाहन जमीन जायदाद के मसले उलझ सकते हैं, खरीद फरोख्त में हानि हो सकती है, वाद विवादों का सामना कर सकता है और परिवार में उलझन है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और मानसिक और शारीरिक कष्ट की प्रबल संभावना। और सुबह सूर्य उदय से लेकर 3:30 बजे तक गोचर थोड़ा सा प्रतिकूल, थोड़ा सा सावधान और छोटा सा उपाय जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, श्रद्धानुसार बेलपत्र पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिए, कष्ट नहीं आएगा। विशेष क्या करें, कोई लंबी योजना बनाने के लिए अभी रुक जाए थोड़ा सा। क्या ना करें, कोई जमीन और वाहन आज ना खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, मन प्रसन्न रहेगा और मन अनुकूल कार्य बनने लगेंगे और आयात और निर्यात कार्य में बहुत अनुकूल और सुफल प्राप्त होंगे। आज नए ऑर्डर मिलेंगे, नए टेंडर मिलेंगे, धन लाभ होगा, घर परिवार का सुख होगा, किसी सभा सोसाइटी में जाने का अवसर मिलेगा, अपनी बात रखेंगे और वहाँ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। विशेष क्या करें, किसी अपरिचित से मित्रता, ध्यान रखें। विशेष क्या करें तो नवीन योजना नए विचारों को बढ़ावा दे। क्या ना करें तो किसी अपरिचित से मित्रता ना करें तो बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। नमन।